महानगर के कैंट थाने पर संपूर्ण समाधान थाना दिवस का आयोजन नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। शनिवार को थाना दिवस पर कुल 10 मामले आए। ज्यादातर मामले जमीन संबंधित विवाद के आए, जो विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल रहा था। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि मामलों के निराकरण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम गठित कर प्रभावी निस्तारण का निर्देश माथहतों को दिया गया। इस अवसर पर सभी हलकों के दरोगा व राजस्व विभाग के लेखपाल कानूनगो मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर मजिस्ट्रेट अजीत सिंह ने कहा, आप नहीं जाने मैं जाता हूँ, मैं रोज जाता हूँ। ये बात बता दें, मामला न्यायालय में चल रहा है। आप बताइए, अच्छी बात है, बड़ी बात है। आप बोलिए, जाके क्या करेंगे? इलाज कंटेन करेंगे। हम लोग जाएंगे, तो हम अपने मामलों को खत्म करेंगे। न्यायालय कहेगा कि आपने मेरे मामलों में वही डिसाइड नहीं है कि 412 कौन है, 413 क्लियर है। हम दोनों पक्ष को बुला के इस तरह की 412 413 क्लियर हो जाए। 400 आप लोग पहले जमीन हुई है, उसी के माध्यम से गवाह भी है। एकदम से एप्लीकेशन बनाया है, डीएम साहब के ऊपर उनसे इन्वेस्टिगेट कर दिया है। करीब 8 से 10 मामले हैं, सब जमीनी विवाद से संबंधित हैं। और इसमें मैक्सिमम बैनामों का मामला है कि एक एक ज़मीन की दो दो तीन तीन बार रजिस्ट्री हो गई है। इसी तरह के मामले हैं, ज़मीनों पर कब्जे के कुछ मामले थे, कुछ मामले न्यायालयों में भी विचाराधीन है। जो न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें स्थगन है, उसमें तो हम लोगों ने उसका डिस्पोजल कर दिया कि यहाँ से उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिसमें पक्ष में विवाद है, उन पक्षों को कुछ लोगों को बुलाया गया था, कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाए थे किसी पक्ष के, उनको अगले एक दो दिन में बुला के और दोनों पक्ष के बैठ के अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें विधि कार्रवाई के लिए इनको सस्ती कर दी जाएगी।